सेवेंथ क्वेश्चन चेक करो, देखो फाइंड दी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दी एपी हुज kth टर्म इज 5k+1। kth टर्म इज 5k+1, ए के इज 5k+1। तो इस टर्म से पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस बनाने के बाद फिर हम सम का एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। तो व्हेन के इज इक्वल टू 1, व्हाट डू वी गेट? फर्स्ट टर्म क्या होगी? a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 11, a3 इज इक्वल टू 16, a4 इज इक्वल टू 21 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें a क्या मिल गया? a मिल गया 6 और कॉमन डिफरेंस d मिल गया 5। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या मिलेगा? n/2 2a+n-1 इनटू d। सो n/2 2a दैट इज 12 प्लस n-1 into 5. So this is n/2, 12 plus 5n minus 5. So 12 minus 5 is 7. This is n/2, 7 plus 5n. This is Sn. So sum of n terms will be given by this expression. सुन रहे बेटा? यस सर।